जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सरकारी तैयारी प्लस में। आज हम बात करेंगे हमारी जो वैकेंसी निकली है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए मैनेजर की पोस्ट की वैकेंसी है। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे। आपको कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी और डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी प्लस से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं NI आपका NHIDCL, ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/9/2022 को आपका आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते 3 हफ्ते के अंदर आपको ये अप्लाई करना है, यानी 22 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम डायनेमिक इफेक्टिव एक्सपीरियंस एलिजिबल ऑफिसर वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट यूनाइटेड टेरिटरी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टेट आपका सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यहाँ पे फॉलोइंग पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर TP 1 वैकेंसी, पे मैट्रिक्स लेवल 14 आपका 7 CPC। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बारे में सैलरी 37 से लेकर 67 10,000 रुपये ग्रेड पे। जनरल मैनेजर यहाँ पे आप 10 वैकेंसी हैं, पे मैट्रिक्स लेवल 13 7 CPC आपके यहाँ पे वैकेंसी आप जो सैलरी रहेगी 37 से 67। ठीक है, और प्लस ग्रेड आपको पे देगा 8,700। जनरल डेप्यूटी मैनेजर 20 वैकेंसी, पे मैट्रिक्स 12 यहाँ पे आप 15,000 से लेकर 39 पे आपका ग्रेड पे 7,600। मैनेजर TP यहाँ पे आप जिसने पे मैट्रिक्स 11 और यहाँ पे आप सैलरी रहेगी 15,000 से 39 6,600 ग्रेड पे रहेगी। यहाँ पे लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन 3 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर से। डेट ऑफ आपका एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज शैल बी डिस्प्ले NHDSL वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल आपको दे रखी है उसकी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं इसके नोटिफिकेशन से। क्रूशियल डेट रहेगी 1/7/2022 से आपकी काउंट की जाएगी, जिसमें एज लेंथ सर्विस सारी चीजें। ठीक है, कैंडिडेट सबमिट एप्लीकेशन ट्रांसफर डेपुटेशन बेसिस शैल बी रिक्वायर्ड आल्सो सबमिट हिज एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल अलाउड टू बी आप अपियर इन इंटरव्यू इवन इफ शॉर्टलिस्ट फॉर ए पोस्ट ओनली इफ हिज हर एप्लीकेशन रिसीव थ्रू प्रॉपर चैनल अलॉन्ग विद कॉपीज ACR APAR लास्ट 5 ईयर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड विजिलेंस क्लियरेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको देखते हैं बाकी आपकी डिटेल है। यहाँ पे आपको जो वैकेंसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन एजुकेटिव डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट की एज यहाँ पे 55 एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे आपका देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में ऑफिसर इन सेंट्रल आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, आपके यहाँ पे हो या एनोलॉगस पोस्ट रेगुलर बेसिस पे आपका पेरेंट कैडर डिपार्टमेंट पे मैट्रिक्स आपका 14 7 CPC आपके यहाँ पे 37 से लेकर 67 या आपका विद 3 ईयर रेगुलर सर्विस इन पे मैट्रिक्स लेवल 13 हो। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं या हैविंग 18 साल का एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस इन ग्रुप ए सर्विस सेंट्रल स्टेट या यूनाइटेड टेरिटरी में हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईवे रोड ब्रिज इंजीनियरिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने काम किया हो। जनरल मैनेजर टेक्निकल आपका प्रोजेक्टर की 55 डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। ऑफिसर इन सेंट्रल गवर्नमेंट आपके डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडी में होल्डिंग ऑनोलोगस पोस्ट हो, पे मैट्रिक्स लेवल 13 रहेगा। यहाँ पे आप देखते हैं या आपका हैविंग 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस रेगुलर पे लेवल 12 हो या आप देखते हैं हैविंग 8 साल का एक्सपीरियंस हो पे लेवल 11 हो या और हैविंग 13 ईयर आपको ग्रुप ए में ऑर्गेनाइजेशन सर्विस यहाँ पे स्टेट यूनाइटेड टेरिटरी में हो। ठीक है, इनके बारे में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्रिज रोड और इंजीनियरिंग से रिलेटेड में। डेप्यूटी जनरल में आपका 55 एजुकेशन क्वालिफाइड डिग्री आपका होनी चाहिए सिविल की। बाकी आप डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम उसी तरीके से मैनेजर की 55 आपका सिविल में होना चाहिए। ऑफिसर डेप्यूटी जनरल आपका ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर स्टेट या सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे आपका पे लेवल यहाँ पे 11 का हो, आपका जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 साल का हो या फिर आपका जो कि रेंडर आपका अपॉइंटमेंट दे रहे टू रेगुलर बेसिस पे लेवल 10 या आपका देखते हैं 6 साल का एक्सपीरियंस हो पे लेवल 7 हो। इसी तरीके से यहाँ पे एक्सपीरियंस है उनके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। आपका सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
अब बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। देखिए मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ ये वीडियो नोटिफिकेशन का, क्योंकि पूरा बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए इसके यहाँ पे आएंगे हम, न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। न्यू यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पोस्ट अप्लाई फॉर आ रहा है तो यहाँ पे एक अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर ले जिस लिए अप्लाई देना करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे आपको देखिए आपको एक्सपीरियंस आ रहा है, रिक्वेस्ट एक्सपीरियंस, ठीक है मैं रूट कर देता हूँ। यहाँ पे डेप्यूटेशन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपके साथ नाम नेम, ठीक है फर्स्ट नेम आपको आ रहा है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, यहाँ पे आप देखते हैं एज आपकी, आपके यहाँ पे एक एक 2022 के अनुसार यहाँ पे आपकी, यहाँ पे आप देखते हैं ठीक है, एक एक यहाँ पे आ जाएगा डेट ऑफ रिटायरमेंट अंडर द योर पेरेंट कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको बताना है ठीक है। आपका देख सकते हैं डेट ऑफ रिटायरमेंट अंडर द पेरेंट डिपार्टमेंट, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस 123 सिटी डिस्ट्रिक्ट पिन कोड स्टेट, स्टडी कोड यदि है, आपका रेजिडेंट फोन नंबर है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी परमानेंट एड्रेस की जानकारी, सिटी डिस्ट्रिक्ट पिन कोड आपका स्टेट, यहाँ पे आप देखते हैं सेलेक्ट कैटेगरी जनरल एस सी एस टी ओबीसी मेल फीमेल, यहाँ पे आपकी फिजिकली डिसेबल यस या नो करना है ठीक है, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। इस तरीके से यहाँ पे आपका देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट हो जाती है ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी दूसरी पोस्ट ले लूंगा तो यहाँ पे आपको किस तरीके से देखने मिला, सेम इसी तरीके से ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ठीक है। फ्रेंड यहाँ पे आप देख हैं मैंने जैसे सेव पे क्लिक किया तो दो ऑप्शन देखने को मिलेगी, एडिट और कंटिन्यू, आप यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू, तो आपको लगता है कोई गलती है उसे सुधार कर ले, उसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे SMS के माध्यम से क्लिक हेयर टू रिसीव OTP, यहाँ पे आपको देखते हैं इस पर आपको क्लिक हेयर टू वेरिफिकेशन OTP पे यहाँ पे क्लिक करना है ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब मुझे देखिए जो OTP आएगा वो अब मुझे यहाँ पे देना है ठीक। यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक हेयर टू वेरिफिकेशन OTP पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो मुझे OTP प्राप्त हुआ है मोबाइल पर वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा इस तरीके से ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, भी यहाँ पे टाइप कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे आप कर देंगे तो यहाँ पे आपको देखिए पासवर्ड और यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है, वो अपने आपके मोबाइल पे आ जाएगी। मार्क यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, जो भी आपको किस तरीके से मार्क पे आपको मार्क CGPA OGPA, यहाँ पे आपका एजुकेशन डिटेल, आपको मैंने BE BTech कर दी, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट ऑफर्ड, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क, मार्क सिक्योर्ड, और आपके यहाँ पे परसेंटेज बताने ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है यदि उसके बारे में, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम, सब्जेक्ट क्या थे आपके पास, आपके इंस्टीट्यूट का नाम ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना है किस साल पास किया है, टोटल मार्क, मार्क सिक्योर्ड, और यहाँ पे परसेंटेज। इसी तरीके से यहाँ पे आपको देखिए आपको एक्सपीरियंस की जानकारी, यहाँ पे इफ़ यू हैव एनी अदर आपका मेंशन एग्जामिनेशन है क्वालिफिकेशन वो, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, एनालॉगस आपका पोस्ट है पेरेंट कैडर में, यहाँ पे विद इन 3 ईयर रेगुलर सर्विसेज, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे डू हैव वर्क एक्सपीरियंस यस या नो करना है, इस पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपके नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट क्या है, कब से लेकर कब तक काम किया, यहाँ पे आपका वर्क क्या था, वर्किंग बेसिस, यहाँ पे आपको पे स्केल क्या था, स्किल पे, करंट बेसिस, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में ड्यूटी के बारे में जानकारी देनी है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन यदि है तो वो बता सकते हैं, यस यहाँ पे करेंगे, प्रिस्क्राइब के अनुसार यस कर देंगे ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बारे में जानकारी देनी है ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कम्प्लीट हो जाता है ठीक है, तो ये आपका Part 3 है, यहाँ पे आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपकी जो पोस्ट देखने को मिल जाएगी, आर यू वर्किंग, यस या नो करना है ठीक है, यहाँ पे यस करने का, आप नेचर ऑफ प्रेजेंट आपका एम्प्लॉई आपको बताना है किस टाइप का, रेगुलर मैंने कर दिया, वेदर पे स्किल विच यू आर वर्किंग योर पेरेंट डिपार्टमेंट उसके बारे में यस आपको नो करना है ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दे सकते हैं, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है,
प्लीज स्पेसिफाई सब स्ट्रेंथ यहाँ पे यस या नो करके आप बता सकते हैं। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देना चाहे तो दे सकते हैं। यहाँ पे आप वेदर यू अप्लाइड फॉर सिमिलर पोस्ट एन एच इन लास्ट टू पेपर यस या नो करके बता सकते हैं। पोस्ट अप्लाई है एडवर्टाइजमेंट डेट इंटरव्यू डेट यहाँ पे बताना है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डिटेल ऑफ अर्लियर सर्विस एन एच यदि है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका देख सकते हैं नेचर ड्यूटी, आपके ड्यूटी डिपार्टमेंट, आप डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट कब से लेके कब तक स्केल पे, आपका प्लेस पोस्टिंग, ये सब यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटी बता। और इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए आपका डॉक्यूमेंट नेम, ठीक है, फोटो यहाँ पे आपको देनी है। यहाँ पे आपको चूज करेंगे फाइल अपलोड, यहाँ से करेंगे सिग्नेचर, यहाँ से चूज करेंगे अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर का आपका जो है, यहाँ पे कॉपी और डिग्री क्वालिफाई एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको अपलोड करना है। आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। फोटो का साइज 20 से 25 से 50 KB, सिग्नेचर 25 से 35 KB और आपका सर्टिफिकेट 100 से आपका 2 MB के बीच में JPG आप PDF पे अपलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको जो फॉर्म को फिल करना होगा। तो फ्रेंड देखिए आप किस तरीके से जाएंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, करंट ओपनिंग पे जाएंगे। करंट ओपनिंग पे जाने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर आपका वेट करें। यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले ऊपर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन के लिंक आपके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको यह पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपकी NHIDCL द्वारा जारी किया गया। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेशन दोनों अच्छा रहा हो आपके लिए। और फ्रेंड वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।